हाय वेलकम। कुछ फ्रेंड्स तो पूछ, हम लोग पूरा कमेंट अभी देखना नहीं होते क्योंकि वीडियो लेने का, एक एक प्लेस जाने का। हम लोग है ना गोवा आ गया, मीन्स हम लोग खुद एंटरटेनमेंट कम है क्योंकि मैक्सिमम हम लोग वीडियो लेने के लिए जो जो प्लेस पहले नहीं गया ऐसे चुनकर मॉर्निंग जाने का है ना शिशु। करेक्ट। अभी इधर गर्मी है, 10 o'clock के बाद बहुत ऐसे गर्मी ऐसे होते हैं, समर जैसा ऐसा सीज होते हैं। अक्टूबर है तो भी गर्मी है, तो क्या करूँ हम लोग उसके पीछे है। तो हम लोग सब कमेंट देकर जवाब देना सब मुश्किल हो रहा है, इसलिए कुछ कुछ कमेंट हम लोग देखा है। यह गोवा में आते तो कौन से प्लेस में सेफ रख सक रहने का जगह कौन सा है करके तो पूछ रहे हैं ना। तो हमारी तरफ से हम लोग जो गोवा देखा पिछली बार भी अराउंड 5 times वी विजिटेड गोवा, तो कहना 5 times हम लोग कहीं भी रूम ले लिया तो सब हम लोगों को सेफ ही रहता है ना। गोवा में हमारी नज़र से गोवा देखने से हम लोगों को क्या है ना, सब जगह सेफ है, हमारा सेफ्टी हमारे हाथ में ही है, पहला वो सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्या होती है, आप लोग है ना, आप लोगों की इंटरेस्ट की तरह सूट होने के सिलेक्शन होना चाहिए। अभी हम लोग है ना साइलेंस, क्योंकि लेस क्राउडेड बीच अच्छा लगता है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम लोग है ना, अभी पहले हम लोग ऐसा नहीं था, हम लोगों को मालूम नहीं था। तो नाउ वी आर सेलेक्टिंग साउथ गोवा, तो वी आर सेलेक्टिंग साउथ गोवा में आप लोग आते तो बेनोलिम बीच के उधर भी ले सकते हैं। एक छोटा सा विलेज है, एक छोटी सी अच्छे से क्या ना बीच वगैरह है, सब कुछ आपकी मर्जी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट तो लेस क्राउडेड बीच और गुड एकोमोडेशन चाहे तो अगोंडा बीच के एरिया में आप चेक करो, उधर भी आप रह सकते हैं। पालोलम बीच के उधर भी लेस क्राउडेड बीच है, अच्छा बीच है। और एक बात क्या है ना, हम लोग कोई होटल को रेफ़र नहीं करते, क्यों नहीं करते, मीन्स कोई भी होटल में हम लोग जाओ कुछ भी कम होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, कुछ कुछ होता है, तो हम लोग है ना कभी कभी रिएक्ट भी नहीं करते, एडजस्ट करते हैं मैक्सिमम, तो सब लोग शायद एडजस्ट कर नहीं पाते ऐसे, तो फिर कंप्लेंट बोले ना आप लोग सजेस्ट किया फिर हम लोग गया वैसे हो गया, इसलिए हम लोग है ना मैक्सिमम अवॉइड करते हैं, या फिर कुछ उतना हम लोगों को 100% के ऊपर सेटिस्फेक्शन है तो हम लोग रेफ़र करते हैं, फिर भी हम लोग मैक्सिमम वो अवॉइड करते हैं। इसलिए आप लोग है ना ये एरिया में कभी भी आप लोग चेक करने से आपको होटल मिलेगा। और एक बात क्या है ना, हम लोग ये आप में बुक करना अलग होता है, डायरेक्ट उनके फ़ोन नंबर में बुक करना अलग होता है, वो आप चेक करने से आपको मालूम होगा। क्योंकि हम लोग इधर आते तो पहले ये अगोंडा एरिया में हम लोग आते तो नॉन एसी बुक करके आता, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा कंफर्मेशन के प्रॉब्लम था, इसलिए नॉन एसी का बुक करके आने से इधर तक गर्मी में नॉन एसी हम लोग हट जैसा ही था, उसमें बैठना मुश्किल था, एक 30 minutes में हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग है ना उनको रिक्वेस्ट करने से हम लोग एसी में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही आप लोग अपना क्या नाम, एक एक लोगों का अपने बजट में चेक करके आप लोग लेना, डायरेक्ट लिया तो वो अच्छा होता है, नहीं आप में लिया तो पहले बुक किया तो वो भी अच्छा होता है, वो आपकी सूटेबल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग देखा सभी जगह सेफ है, हम लोग दोनों लड़की औरत ही आ गए है ना, कोई टेंशन इधर नहीं हुआ है। तो आपकी क्या है ना लेस क्राउडेड बीच चाहिए, ऐसे ही साइलेंस आपको अच्छे लगते तो एंजॉय करने के लिए साउथ गोवा में हम लोग बोला है ना बेनोलिम पालोलम अगोंडा एक जगह पर आप रूम ले सकते हैं, हट मिलेगा, नॉर्मल रूम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो बजट आप चेक कर दो। नेक्स्ट तो उनको डायरेक्ट भी कॉल करके आप लोग बता सकते, उनका इंक्वायरी कर सकते हैं। और क्या होती है, क्राउडेड बीच अच्छे तो ऐसे ही मेंटालिटी है तो पूरा ऐसे साउंड से एंजॉयमेंट मिलते तो आप लोग बागा बीच के उधर कलांगूट उस तरफ नॉर्थ गोवा तो जा सकते हैं, हम लोग यही प्रिफर करते हैं, क्योंकि उधर भी क्राउडेड मीन्स कोई सेफ्टी का इश्यू हम लोगों को मालूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपकी माइंड में क्या अच्छा लगता है, साइलेंस लेस क्राउडेड है तो साउथ गोवा जाओ, क्राउडेड और वो सब अच्छा लगते तो नॉर्थ गोवा जा सकते हैं। हमारी नज़रों से गोवा बिल्कुल सेफ है, फिर हमारा सेफ्टी कहीं भी जाओ हमारे हाथ में है, उसमें आप लोग खुद ध्यान देना चाहिए। फिर और एक बात है ना फूड का, अभी पूरा पिछली बार हम लोग साल में आए था उसमें से बहुत फ्लरिश हो गया, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, सब एक्टिविटीज़ है, सब कुछ एंटरटेनमेंट है, गर्मी है थोड़ा, फिर क्या होते हैं ना आप लोग फूड है ना सभी ताली सब कुछ मिलता है, थोड़ा रेट ज़्यादा है ना शोश, कुछ कुछ अंदर अंदर छोटे शॉप है वो रीज़नेबल है। हम लोग अभी नाश्ता खाए 100 rupees में
लस्सी करी क्या ना, एक वाटर बोतल छोटा वाला लिया था, एक कूल ड्रिंक्स लिया था, सब कुछ हम लोग 100 रुपीज़ में दोनों लोग खा लिया था ना। सोचो कुछ थे दो में ताली वगैरह थोड़ा कॉस्टली है, वो अपने बजट में ढूंढ कर जाना चाहिए, वो भी एक ध्यान देना चाहिए। और कुछ नहीं, आराम से आप लोग अभी विजिट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।